में जहाँ एक स्टेज पर सैकड़ों थेरेपियाँ दी जाती हैं, लगभग 300 प्रकार की थेरेपियाँ एक जगह पर हैं। ये आप इंफ्रारेड रेडिएशन देख रहे हैं, जो मांसपेशियाँ फूल जाती हैं, मांसपेशियों में दिक्कत होती है, उसको इंफ्रारेड लाइट के जरिए ठीक किया जाता है। आगे आपको कुछ और थेरेपियाँ भी हम दिखाते हैं। ये देखिए, इंफ्रारेड लाइट से आप देख रहे हैं। थोड़ा सा सरदार जी बताओ इसके बारे में, सर। ये इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो आपकी मांसपेशियाँ फूली हुई हैं, आपकी मांसपेशियाँ उनको ये उसी अपनी सतह में डाल देती हैं, और सतह में डालने के बाद क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, वो पेन अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है, वो पेन ऐसा है। इसमें पूछो, इससे पूछो ज़्यादा। ये क्या, कौन सी थेरेपी चल रही है? लीवर थेरेपी चल रही है। लीवर थेरेपी? हाँ जी। ये देखिए, लीवर के ऊपर बस्ती लगा रहे हैं। ये एक औषधीय तेल है, पीड़ांतक तेल, और इस पीड़ांतक तेल से लीवर वाले हिस्से के ऊपर ये बस्ती लगा रहे हैं। लीवर सिरोसिस हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, आजकल हर 5 में से एक व्यक्ति को लीवर की दिक्कत है। तो ये 40 मिनट तक ये बस्ती लगाते हैं। ये उड़द की दाल की बेटी है, लीवर को ठीक करने का काम करती है। ये देखिए, ये गुलाब जल के साथ अक्षय तर्पण चल रहा है। अक्षय तर्पण मतलब वही पिट्ठी को चारों ओर लगा के उसको महात्रिफला धर्त लगाया जाता है। उसके बाद गुलाब जल से आँखों का तर्पण किया जाता है। आँख के अंदर एलर्जी हो, आँख के अंदर सूजन हो, आँख के अंदर किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, तो उसमें ये बहुत अच्छी लाभ करती है। ये देखिए, ये लंग्स बस्ती चल रही है, हृदय के लिए बस्ती चल रही है। ये एक बस्ती है जिनको दमा है, अस्थमा है, जिनको फेफड़ों की बीमारी है, जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, जिनको किसी भी प्रकार से कोरोना के कारण लंग्स कमजोर हो गए हैं, उनके लिए ये बस्ती काम आती है। इसको बोलते हैं लंग्स बस्ती, फुसफुस बस्ती, फेफड़ों के लिए बस्ती। ये विशेष प्रकार का औषधियों वाला तेल है, लगभग 40 प्रकार की औषधियाँ इसके अंदर मिली हुई है। इस तेल से ये लंग्स बस्ती की जाती है। ये सामने आप शिरोधारा देख रहे हैं, शिरोधारा औषधीय युक्त तेल से। ये देखिए, ये बहुत अच्छा केस है। आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, कितने महीने से आप व्हीलचेयर पर थे? पिछले साल से मैं व्हीलचेयर पर था, तो आज मुझे लाभ मिला, तो इस बार मैं वॉकर पर आया हूँ। कितने साल से? ये इनके पिताजी अभी जब मैं सुबह आया तो ये द्रवित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, और इन्होंने कहा कि ये बच्चा व्हील चेयर पर चलता था। छह साल से व्हील चेयर पर था ये, 6 साल से, और कल से ये अब थोड़ा चलने लगा। कितने टाइम हो गया आपको? 15-20, यहाँ एक हफ्ता हो गया। जी, इतना फर्क है? हाँ जी, हाँ जी। पिछली बार योगना में भी आए थे, और इस बार यहाँ आए हैं। कल पॉइंट वगैरह दबाए, सारा ट्रीटमेंट लिया, तो थोड़ा चलने लगा। 20 कदम चला, 20-22 कदम। पहली बार 6 साल में, अभी चल के दिखाएगा। ये देखिए, और ये सारा चमत्कार जो हुआ है पंचकर्म और नेचुरोपैथी से हुआ है। कोई एलोपैथी की दवाई नहीं दी गई, कोई चमत्कारी, कोई ऐसा नहीं कि इसका कोई ऑपरेशन किया गया हो, केवल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। किस किस हॉस्पिटल में दिखाया था? पीजीआई दिखाया जी, पीजीआई दिखाया। अच्छा, 6 साल से। तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था ये 69% डैमेज हो चुका है, डैमेज हो चुका है, और चल नहीं सकता कभी भी, ये काम सर्टिफिकेट माने गए थे। ये देखिए, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी का आप चमत्कार देखिए, किस प्रकार से एक व्यक्ति जो 6 साल से कभी चला नहीं, वो पहली बार कल 20 कदम चला। ये देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। थोड़ा सहारा दे दो भैया, ये तो 8 दिन हम सदस्यों को भी आमंत्रित। ये पिताजी इनके आज इनकी आंखें नम हो गई जब मिले तो। और उस साइड आ जाओ। ये देखिए, पोटली मसाज है, जिनको मांसपेशियों में दर्द होता है उसके लिए औषधीय तेल के साथ पोटली मसाज की जाती है। जिनको मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, जकड़न रहती है, उसके लिए पोटली मसाज की जाती है। इसको पोटली मसाज बोलते हैं। ये कटी बस्ती है, कटी बस्ती, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए कटी बस्ती की जा रही है। आप पीछे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देख रहे हैं, पूज्य स्वामी जी रामदेव जी महाराज और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए, एलोपैथी के कहर से लोगों को बचाने के लिए आयुर्वेद नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट को एक छत पर शुरू किया है।
और ये देखिए योगग्राम नेचुरोपैथी के नाम से कई बार फ्रॉड भी होता है, तो आपको केवल आस्था चैनल पर चलने वाले नंबरों के ऊपर ही संपर्क करना है, इंटरनेट के किसी नंबर पर पैसे जमा ना करवाएं ताकि फ्रॉड ना हो। और यहाँ पर 2-3 महीने की वेटिंग रहती है, कोई आपको कहे कि तत्काल वो सीट दिलवा देगा इसका मतलब वो फ्रॉड है। ये देखिए ये बस्ती है, कमर में जिनको दर्द है उनके लिए बस्ती है। हाँ उधर भी चल रही है, बहनों की महिलाओं की थेरेपी उधर चल रही है। आइए उधर दिखाते हैं। ये देखिए महाराज जी को यहाँ पे लाइव कर रहे हैं बहुत से लोगों को बचाने के लिए। आओ इधर से, अरे उधर है नहीं थेरेपी नहीं है कोई, इधर ही आ जाओ, ये सिंगी वाले पास। थोड़ा सा उनके ये देखिए यहाँ पर रोज लगातार लगभग 2000 लोग योग करते हैं, जो असाध्य रोगी जिनको हर जगह से उत्तर मिल जाता है उन रोगियों का योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे ऐसे भयंकर रोगी मिट्टी हवा पानी धूप से ट्रीटमेंट किया जाता है और स्वामी जी इनको गाइड करते हैं। हाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसको सिखाते हैं, इनके बारे में बताते हैं। खुद पूज्य स्वामी जी महाराज रोज योग की क्लास लेते हैं, उनको रोग के बारे में बीमारियों के बारे में बताते हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज को आप घर बैठे भी सुन सकते हैं, आप उनको आस्था टीवी पर यूट्यूब पर आप लगातार लाइव भी सुन सकते हैं। आपके घर में कोई भी बीमारी है आप घर पर योग करना शुरू करें, आपको 80% योग से लाभ मिल जाएगा। आपको कोई दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर भी करें तो आपको ठीक कर सकते हैं। हजारों लोग ठीक होके जाते हैं, हजारों लोग ठीक होके ये रोज आते हैं, रोज लगभग 3000 लोग पतंजलि के अंदर रहते हैं असाध्य रोगी, जिनको हॉस्पिटल में एम्स जैसे हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं वो रोगी यहाँ पर रहते हैं। एक आशीर्वाद करवा देते हैं आप। स्वामी जी थोड़ा सा बता देंगे अभी थोड़ी सी सिंगी के बारे में, सिंगी के बारे में करवा देंगे उनको, बोलो सिंगी लगा देंगे एक और लगा देंगे, या अभी खोलेंगे नहीं, अभी खोलेंगे नहीं, अभी रखेंगे। और आप देख रहे हैं स्वामी रामदेव जी लाइव करनाल प्लस पे, तो ये बताएंगे नई थेरेपी जो सिंगी थेरेपी है उनके बारे में थोड़ा सा। प्रणाम महाराज जी, किडनी वाले कैसे? प्रणाम महाराज, ये महाराज जी करनाल प्लस से हैं, आयुर्वेदिक चैनल चलाते हैं, इनके वीडियोस मिलियन में जाते हैं महाराज जी। क्या बोले घर गए तो जाने दो, खुश हो गए। अच्छा चलो तो वो दूसरे लोग रोगी आगे आगे मारे जी, वो दूसरे आगे सिंगी वाले आगे मारे जी। हाँ अरे माला दे दो उनको, माला दे दे, ये चल पड़ा महाराज जी, चल जाएगा करवाएंगे। बड़े बाबा, लंबे बाबा।